हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज अपन फिर से इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने वाले हैं गाइस। और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ गाइस। आपने सुना भी होगा गाइस, केप जेमिनी जो कि अभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को हायर कर रही है गाइस। और चाहे आप बीकॉम के हो, बीबीए के हो, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है गाइस आपको कॉमर्स में, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और ये गाइस सभी के लिए, मतलब अगर आप 2021 के ग्रेजुएट हो, 2022 में ग्रेजुएट होने वाले हो, या 2020 के भी ग्रेजुएट हो गाइस, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी है और ये फुल टाइम दी जा रही है केप जेमिनी की तरफ से गाइस। और ये अभी अभी लेटेस्ट आई है 19 जनवरी को। तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें हैं, प्लस एक ये जॉब अपॉर्चुनिटी होगी केप जेमिनी, और एक और मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए गाइस, जिसमें आप अगर बीई वाले हो या कोई भी आपने सीएसआईटी मैकेनिकल सिविल कोई भी ब्रांच के हो गाइस, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको आज दो बताने वाला हूँ, एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और एक गाइस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखना गाइस, तभी आपको समझ आएगा कैसे क्या करना है। प्लस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे गाइस। प्लस आप लाइक और शेयर करना मत भूलना गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूं गाइस। और अभी तक अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आपको क्या करना है गाइस, आपको यूट्यूब में सर्च करना है द कॉमर्स बडी में गाइस, आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में गाइस मैंने आपको कोर्सेस बताए, डिफरेंट डिफरेंट यूडमी कोर्सेरा और बहुत सारे कोर्सेस बताए, फिर मैंने आपको इंटर्नशिप्स के बारे में बताया गाइस, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बताई है कुछ कुछ गाइस, और फिर मैंने गाइस आपको संडे स्पेशल सेशंस भी बताए गए हैं। फिर आप देखोगे तो एक केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी गाइस बताया गया है। तो बहुत सारी चीजें गाइस मैंने आपको बताई है और स्कॉलरशिप बताई गाइस। तो जिनको भी जो भी कोर्सेस एनरोल करने, जो भी जिनको भी कैटेगरी में जाना है गाइस, आप जल्दी से एनरोल कर लो। और कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो गाइस, और जो भी आप वीडियो चाहते हो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जल्दी से मेरे को बता देना, मैं उस वीडियो से रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा गाइस। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली मैं आपको आज दो इंटर्नशिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो आप देख सकते हो केप जेमिनी की तरफ से गाइस, जो कि बेसिकली फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो ट्रेनिंग पीरियड काइंड ऑफ अपन बोल सकते हैं इंटर्नशिप होने वाला है, इंटर्नशिप गाइस, और फिर उसके बाद गाइस आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी। और सेम कहानी गाइस जो कि मैं आपको कॉमर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा, उसमें भी सेम इशू होने वाला है, ठीक है। तो बस आपको पहले क्या अप्लाई करना है, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद गाइस अगर आप सिलेक्ट हो तो फिर आपका इंटरव्यू और एचआर राउंड होने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये जो सबसे पहले हम केप जेमिनी की बात कर लेते गाइस, तो केप जेमिनी अभी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एसोसिएट की जॉब दे रही है गाइस, जिसमें आप देख सकते हो 0 से 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाले को भी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आप देख सकते हो अगर आपको एकदम फ्रेशर हो गाइस, मतलब इस साल आप ग्रेजुएट होने वाले हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते गाइस। आप लोकेशन देखो तो लोकेशन गाइस ट्रिची है, ट्रिची बेसिकली गाइस केरला साइड है, तो वहां पे आपकी लोकेशन होने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली राइट हैंड साइड में आपको देखेगा पोस्टेड ऑन 19 जनवरी 2022। तो गाइस ये अभी लेटेस्ट जॉब आई है, और ट्रिची जरूर लिखा है गाइस, बट अभी अभी कोरोना सिचुएशन है, तो इसलिए गाइस आपका वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। बट जैसे ही कोरोना सही हो जाएगा तो यू हैव टू गो टू ट्रिची। तो ये बात का याद रखना गाइस, अगर आप लोकेशन से प्रिफर्ड हो, मतलब आपकी लोकेशन अच्छी है, मतलब आप जो चाहते थे, तो आप यहाँ पे अप्लाई करो गाइस। अगर आप कभी जाने ही नहीं चाहते हो केरला साइड, तो गाइस आप मत करो अप्लाई, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। अब आप देखोगे तो बेसिकली ये परमानेंट जॉब होने वाली गाइस, और लोकेशन ट्रिची है, अगेन बिजनेस सर्विसेज है गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला है, और डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज है गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलती है, अगर आप कहीं पे भी ऐसे अप्लाई करो गाइस, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइनेंस और अकाउंटिंग एसोसिएट की दी जा रही है। अब यहाँ पे अपन देखें तो बेसिकली क्या क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन में अपन देखेंगे, तो परफॉर्म्स रिकंसाइलेशंस ऑफ डेली डिपॉजिट्स टू द कैश पोस्टिंग। तो जो भी आपको कैश डिपॉजिट्स मिलते हैं उनको आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, फिर उनकी स्प्रेडशीट में आपको प्रॉपर रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी जो भी आपके मैनेजर वगैरह रहेंगे, और ये डे टू डे बेसिस पे आपको गाइस करना पड़ेगा। तो जो अपन ऑलरेडी बैंक रिकंसाइलेशंस करते थे, आपने पढ़ा भी होगा 11th 12th में, वही रिकंसाइलेशन अब आपको गाइस केप जेमिनी में करना है, ठीक है।
फिर आप देखोगे तो रिसर्चेस एंड अनआइडेंटिफाइड पेमेंट्स फॉर प्रॉपर पोस्टिंग और रिटर्न टू द पेयर, जो भी आपके पेयर्स हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटीज वगैरह है, जिन लोगों ने भी पे नहीं किया, जो कि आप बैड डेट्स हो गए गाइस, उनको आपको रिकवर करना उनसे आपको, और इनकी भी रिपोर्ट अलग से सेपरेट बनानी गाइस। फिर आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट्स होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हो गई, ऑल भी जो अपने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें जो भी पेमेंट्स होती है उसकी प्रोसेसिंग आपको देखनी गाइस, कितने पेमेंट आए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सब गाइस आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट रहने वाला गाइस कैलकुलेटिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल अलाउंसेस टू बी पोस्टेड इन कंजंक्शन विद द कैश पोस्टिंग। तो गाइस जितने भी अलाउंसेस, जैसे अलग अलग अलाउंसेस होते हैं जो कि बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं गाइस, तो उन सब की भी आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी अपने स्प्रेडशीट या एक्सेल में गाइस, अलोंग विद द कैश पोस्टिंग। कैश के साथ आपको गाइस इनकी भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। फिर आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मंथ एंड क्लोजिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग रिपोर्ट जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑटोमेटेड। तो गाइस आपको जो भी मंथली मंथ एंड क्लोजिंग एक्टिविटीज होंगी, जिसमें भी क्लोजिंग अकाउंट्स करते हो गाइस, आप ओपनिंग अकाउंट्स करते हो, बैंक हो गया, अलग अलग एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज, ये सब गाइस आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी एवरी एंड ऑफ द मंथ गाइस, ये आपका काम होने वाला है। फिर आप देखोगे तो गाइस बेसिकली आपको अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम गाइस अपन यूएस गैप आईएफआरएस दोनों सिस्टम्स होते गाइस, फिर डिपेंड करता हर कंपनी के ऊपर कौन सी कंपनी में क्या फॉलो होता है। तो ये सब गाइस आपको ट्रेनिंग के टाइम ही पता चलेगा, जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी प्रॉपर आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, हर चीज गाइस आपको बताने वाले। तो बहुत ही सिंपल काम है गाइस, मतलब आपको हर चीज बताई जाएगी, बस आपका मेन टास्क होना चाहिए कि मेरे को जल्दी से इंटरव्यू क्लियर करना है ये वाला गाइस, ठीक है। फिर आप देखोगे तो responsible for producing the daily customer कैश रिसीप्ट रिपोर्ट्स, और फिर आपको गाइस डेली रिपोर्ट्स जो कि आती है उसको गाइस आपको रिकनसाइल करना है, पूरा प्रॉपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी गाइस डेली की। तो ये सब गाइस आपका बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो प्राइमरी स्किल्स क्या क्या चाहिए हमें, तो प्राइमरी स्किल्स में गाइस आप देखोगे तो प्रेफर्ड इन्हें गाइस बीकॉम है, बीकॉम अगर आप भाई बीकॉम सिर्फ हो, या बीबीए है गाइस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री जो कि कॉमर्स डिग्री है गाइस, कोई भी आप किस भी फील्ड से रिलेटेड हो बट वो कॉमर्स की फील्ड होनी चाहिए गाइस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबके लिए है गाइस अवेलेबल, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स है। फिर यहाँ पे गाइस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर गाइस आपको एक्सेल का भी नॉलेज होना जरूरी है, एक्सेल में मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको एक्सेल के भी फ्री कोर्सेज दिए हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो कोर्सेस वाले प्लेलिस्ट में गाइस। प्लस एक्सेल में आपको गाइस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 भी बनता है तो और ज्यादा बेनिफिट है गाइस, क्योंकि आपको हर चीज बनती, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पे सेकेंडरी स्किल्स देखोगे तो ये आपके प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी में गाइस आपको बेसिकली परफॉर्मिंग रिकनसाइलेशन ऑफ डेली डिपॉजिट्स टू द कैश पोस्टिंग, फिर आपको गाइस मंथ एंड क्लोजिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग रिपोर्ट जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो गाइस बेसिकली आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा, फिर आपको बेसिक अगर आपने पहले कहीं किया एक्सपीरियंस है गाइस आपको, तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो वो सब चीजें गाइस। फिर आपको रिसर्चेस करनी पड़ेगी अनआइडेंटिफाइड पेमेंट्स फॉर प्रॉपर पोस्टिंग और रिटर्न टू द पेयर, जो भी आपने रिसर्च वगैरह करी है, जो भी अनआइडेंटिफाइड पेमेंट्स या एक्स्ट्रा पेमेंट्स हो गई कुछ, या जो भी कम पेमेंट्स है, वो सब गाइस आपको रिकॉर्ड करना है, वो सब गाइस आपको बताना पड़ेगा डेली अपने मैनेजर को, ये आपका काम होने वाला गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, और केप जेमिनी में मिल रही है, तो आराम से आप मान लो गाइस 4 से 5 लाख का पैकेज होने वाला है जिनको भी अली जॉब अपॉर्चुनिटी करनी है गाइस। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, अब मैं आपको बता देता करना कैसे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन एक दिख रहा है अप्लाई नाउ का गाइस, तो आपको इसको क्लिक कर लेना है अप्लाई नाउ को गाइस। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको, या तो गाइस आप डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हो, करियर पास, लर्निंग डेवलपमेंट, ये सब भी गाइस आप देख सकते हो, नहीं तो फिर ये पेज आपके सामने खुल जाएगा गाइस। तो आपको क्या करना है, एंटर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, अगर गाइस आप एग्जिस्टिंग यूजर हो केप जेमिनी के, तो फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हो और आई एम नॉट अ रोबोट करके साइन इन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप न्यू यूजर हो तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर पे क्रिएट एन अकाउंट, तो क्रिएट एन अकाउंट को गाइस आपको क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट को गाइस आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगेगा वो, फिर आपको
अपनी ईमेल आईडी फिर से रीटाइप करनी है, एक खुद का पासवर्ड बना लेना गाइस अलग अलग टाइप का, अपर केस लोअर केस में लाके अल्फाबेट्स नंबर्स, फिर आपको गाइस अपना खुद का एक पासवर्ड यहाँ पे फिर से रीटाइप करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर आपको कंट्री अपने कंट्री कोड आपको सिलेक्ट कर लेना, मतलब किस भी कंट्री से आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको गाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे तो मोबाइल नंबर आपको डालना है, प्राइमरी नंबर डालना गाइस जो कि आपका व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें हो सकता है आपको नोटिफिकेशन है फ्यूचर में भी, तो इसलिए आपको इधर प्राइमरी नंबर डालना है। फिर यहाँ पे गाइस आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे गाइस आपको नोटिफिकेशन को टिक कर लेना है, और फिर हियर मी मोर अबाउट करके आपको फ्यूचर में भी और केप जेमिनी से जो भी आते हैं तो गाइस वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस देखना तो आप देख भी सकते हो अपने हिसाब से गाइस कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, हर चीज गाइस आपको बताई गई है, तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका मैं बता देता हूँ जो कि इंटरव्यू कैसा होता है गाइस केप जेमिनी में। पहले आपका गाइस एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में गाइस आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब गाइस आपका आता है नॉर्मल, कोडिंग आपको नहीं आएगी कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो गए, ठीक है। तो आपका सिंपल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा, रीजनिंग वगैरह आएगी, प्लस फिर आपका क्लियर अगर वो हो जाता है, उनका एक बेसिकली कट ऑफ रहता है, तो जैसे ही आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आपको मेल आ जाएगा कि आपको इस दिन एग्जाम है, आपका किसना टाइम है, हर चीज गाइस आपको बता दी जाएगी। तो ये आपका होने वाला है बेसिकली ये वाला केप जेमिनी का। तो जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है गाइस, फिर आपका जो कि सेकंड राउंड होएगा, सेकंड राउंड में गाइस आपका वो होएगा डायरेक्ट इंटरव्यू होएगा। तो इंटरव्यू में गाइस एचआर प्लस टेक्निकल होता है, तो कुछ केसेस में गाइस एक ही इंटरव्यूअर रहता है, कुछ केसेस में गाइस दो इंटरव्यूअर रहते हैं। तो अगर दो इंटरव्यूअर है तो जो टेक्निकल वाला रहेगा वो आपसे गाइस 11th 12th में कॉलेज में जो कि आपने अलग अलग पढ़ा है, व्हाट इज एसेट, फिर कोई जनरल एंट्री आपसे पूछ लेगा गाइस, परचेजिंग अ बिल्डिंग या कुछ भी अलग अलग वो जनरल एंट्रीज आपसे गाइस पूछ सकता है, या फिर व्हाट इज डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, करेंट रेशियो, अलग अलग गाइस आपसे पूछ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये सब गाइस आपसे पूछ सकता है टेक्निकल में। और जो एचआर होता है, एचआर बेसिकली क्या करता है, वो आपसे सैलरी डिस्कशन वगैरह करता है गाइस, मतलब अगर आप तो खैर फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एचआर आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछेगा, बट अगर आप गाइस आप फ्रेशर हो तो फिर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको बस कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देगा, यू हैव बीन सिलेक्टेड, और आपको मेल आ जाएगा गाइस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर लो गाइस, और फॉर्म जल्दी फिल कर लेना क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट मेंशन नहीं है, बट जल्दी आ जाएगी लास्ट डेट गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो गाइस, ठीक है। और मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आती है गाइस जो कि बेसिकली AICTE की तरफ से गाइस दी जा रही है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल असेसमेंट गाइस। बेसिकली ये भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप है गाइस, इसमें भी यहाँ पे आप देखोगे तो इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आईटी एंड वेब डिजाइनिंग, मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो गाइस, और ये बेसिकली ट्यूलिप एक कंपनी गाइस उनकी तरफ से दी जा रही है, और लोकेशन आप देख सकते हैं बैंगलोर है गाइस, और ये फुल टाइम होने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे तो ड्यूरेशन आपको 3 months दिख रहा है, और स्टाइपेंड यहाँ पे कितना है गाइस 20,000 पर मंथ है, तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है गाइस, आपको ये स्टार्टिंग में दिया जा रहा है। फिर स्टार्टिंग में गाइस आपका ये ऐसी हो जाता है, उसके बाद गाइस अगर आपको काम पसंद आता है उनका गाइस, तो फिर आपको फुल टाइम के लिए भी लोग हायर कर लेते हैं, और आप देख सकते हो अप्लाई बाय 6th February 2022। तो गाइस आपके 6th February तक का टाइम है, तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हो। ये नहीं फुल टाइम है गाइस, लिखा जरूर है ऊपर इंटर्नशिप, बट ये फुल टाइम है, ठीक है, और ये वर्क फ्रॉम होम होगी गाइस अंटिल सिचुएशन रिकवर्स कोरोना वाली, ठीक है गाइस। फिर आप देखोगे तो बेसिकली अबाउट द प्रोग्राम में अगर अपन देखें तो आपका काम क्या रहने वाला है गाइस, नॉन नेगोशिएबल है गाइस, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी 1 या 2 साल बाद बढ़ जाए तो आप बढ़ा भी सकते हो गाइस, कि आपके ऊपर है। यहाँ पे आपको बेसिकली वेब ग्राफिक डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी, डेवलपमेंट, फिर इंटरफेस डिजाइनिंग अथॉरिटी इंक्लूडिंग बेसिकली प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर, अलग अलग जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं गाइस उनमें आपको काम करना पड़ेगा, अलग अलग डेवलप करनी वेबसाइट डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रेफरेंस गाइस, ये सब आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उसकी टेंशन नहीं है। जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो अप्लाई गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो ओनली दोज कैंडिडेट्स अप्लाई जो कि भाई बीटेक या बीई वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला ये सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस वाली जॉब अपॉर्चुनिटी में गाइस जो कि ट्यूलिप की तरफ से दी जा रही है। फिर आपको गाइस बेसिकली थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है गाइस, अगर आपका सीएस और आईटी ब्रांच है बीई में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका बीसीए है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो भी गाइस आप अप्लाई कर सकते हो। जिनको भी अप्लाई करना है आर अवेलेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 months, तो बेसिकली आपकी पहले तो इंटर्नशिप होगी 3 months की जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे फुल टाइम मिल जाएगा अगर आपका
काम उन्हें पसंद आया तो ये आप देख सकते हो ड्यूरेशन 3 मंथ्स का होने वाला है। उन 3 मंथ्स में गाइस आपको 20,000 दिए जाएंगे पर मंथ, तो उसकी टेंशन नहीं है। फिर आप यहाँ पे रेलेवेंट स्किल्स भी होने जरूरी है गाइस, मतलब जो भी आपको बनता है, जो भी नॉलेज है आपको किसी भी चीज का गाइस, तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और फिर आप देखोगे तो TNC में टर्म्स और एग्रीमेंट्स में आपको दिया है जो ट्यूलिप की कोई भी गाइडलाइंस वगैरह है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी रहेंगी वो सब आपको गाइस बताएंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे। और नंबर ऑफ ओपनिंग्स आप देख सकते हैं गाइस 2 है, तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। बस आपको क्या करना गाइस, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। एक मिनट में आपको फिर से बैक करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये जैसे ही आप खोलोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट यूनिवर्सिटी किस आप किस यू क्या यूजर हो गाइस, मतलब बेसिकली आप स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के, या आप यूनिवर्सिटी मतलब कोई आप अलग से कोर्स कर रहे हो मतलब मास्टर्स डिग्री टाइप का, फिर गाइस आप किस सिटी वगैरह, ये अलग अलग है। तो गाइस ये अपन को मतलब कि नहीं, अपन को स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आप देखो यू आर लॉगिंग एज ए स्टूडेंट, तो कन्फर्म कर लेना है गाइस आपको। कन्फर्म करने के बाद आपको गाइस यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर, 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं गाइस। तो आपको क्या क्लिक करना, अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको गाइस रजिस्टर करना, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया तो ये पेज आ रहा है, अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैंने देखा स्टूडेंट मेरा ऑलरेडी टिक है गाइस। यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम डाल देना है, फिर यूनिवर्सिटी टाइप किसके अंडर में आती है गाइस तो आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है ये आपको डालना है गाइस। फिर आपका किस स्टेट में है ये आपको डाल देना है, कौन से इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट में गाइस अगर आपका नाम नहीं आ रहा आपके, ये जैसे ही आप डालोगे स्टेट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे मैंने दादर है नागर हवेली डाला तो ये इतने सारे आ गए गाइस। तो जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट का वो आ जाएगा नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइस ये आपको HOI नेम है, इसको आपको इग्नोर कर देना है, ये बॉक्स वैसे ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ये रीजन को भी गाइस आपको इग्नोर कर देना, वुमेन इंस्टीट्यूट को भी आप इग्नोर कर सकते हो, जिसमें स्टार मार्क है वो सब गाइस आपको भर देने। फर्स्ट नेम आपको डालना है गाइस, लास्ट नेम भी डाल सकते हो गाइस। फिर कॉन्टैक्ट नंबर में गाइस आपको अपना प्राइमरी नंबर डालना है, स्टूडेंट ईमेल आईडी डालना है या स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर जो कि आपका कॉलेज में जो कि कार्ड बनता है सबका अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड, उसका नंबर गाइस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपकी ईमेल आईडी रहने वाली है, यहाँ पे आपको पासवर्ड एक बना लेना और फिर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड गाइस। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देना है गाइस, फेवरेट कलर, फेवरेट गेम, जो भी आपको डालना है। और अपने हिसाब से गाइस आप यहाँ पे सिलेक्ट आंसर भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर कैटेगरी गाइस आप जनरल SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो डाल देना है गाइस। और फिर आप लास्ट पास्ट कोर्स मतलब आपने आखिरी वाला चीज कौन सी करी थी, तो आपने गाइस अपना अगर आप कॉलेज में हो गए तो आपने लास्ट कौन सी करी होगी, 12th वाली करी होगी गाइस, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना। और फिर एकेडमिक परसेंटेज, तो एकेडमिक परसेंटेज मतलब इस साल अभी आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में अगर आप फाइनल ईयर में हो गाइस और आप चाहते हो कि मैं इसमें अप्लाई करूं तो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो भी मार्क्स हैं उनका आप एग्रीगेट निकालो, डिवाइड बाय 2 करो तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पे गाइस आपको फिल करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये नंबर बेसिकली आपको फिल करने हैं, जैसे मान लो गाइस आपके ये 92 है तो 92 गाइस आपको बस लिखना है और सबमिट कर देना, I am not a robot करके रजिस्टर कर लेना गाइस। ये सिंपल एक प्रोसेस होने वाली, और जैसे ही आप रजिस्टर कर लो गाइस फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देना है। अप्लाई नाउ में गाइस वो बेसिकली आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ वर्क एक्सपीरियंस आप बताओ। फिर आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी जो कि ट्यूलिप कंपनी की रहेगी गाइस, वो आपको बताया जाएगा। फिर आपको गाइस अलग अलग मतलब अपने बेसिकली एड्रेस फिल करना है गाइस, जो भी एड्रेस है आपका घर का वो सब गाइस आपको यहाँ पे फिल करना है, आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, और फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर इनका अगेन एक टेस्ट होएगा, उस टेस्ट को आपको क्लियर करने के बाद गाइस आपका इंटरव्यू और HR राउंड होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना है डायरेक्टली कर सकते हो। तो बेसिकली आज मैंने आपको 2 जॉब अपॉर्चुनिटी या इंटर्नशिप अपन कह सकते गाइस उनके बारे में बताया। एक तो आपकी Capgemini जो कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एसोसिएट की होने वाली बहुत ही अमेजिंग जॉब है गाइस, जिनको भी करना आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और एक गाइस आपकी ट्यूलिप की तरफ से IT एंड वेब डिजाइनिंग की इंटर्नशिप है, ठीक है गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। प्लस अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कर दो जिससे वो लोग अप्लाई कर ले, क्योंकि हो सकता है Capgemini और ट्यूलिप की लास्ट डेट आ जाए गाइस, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस। और कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट सेक्शन मैसेज कर सकते हो गाइस। आज के लिए पर इतना ही रखते हैं, गुड बाय गाइस, बाय बाय।